My name is Alina. Okay. Hi, Alina. What's your name? My name is Pratik. I think you were not there last time. Yeah, I remember. You were not there. सबकी शक्लें याद है मेरे को. लेकिन ये मोहतरमा मिल गई. इनका नाम है पलीना. अलीना से मिले हम सैलॉन में और ये मोहतरमा मिल गई पलीना. माता के सारा Say please. ये कुछ गलत बोल रहा था. इसने मना कर दिया. Say please. You're Muslim. I am Hindu. You're Hindu? Yeah. हे गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए प्यारे से वीडियो में रशिया सीरीज के. जैसे कि पिछला वीडियो आपने देखा तो आपको पता है कि मैं मुरमांग से बाय ट्रेन 24 घंटे की ट्रेन से पहुंच गया हूँ सेंट पीटर्सबर्ग. और उस वीडियो में मैंने सेंट पीटर्सबर्ग में अपना हॉस्टल वगैरह बताया और वीडियो एंड कर दिया था, राइट. उसके बाद मैंने कहा था मेरे को भूख लगी है, मैं जाऊँगा किसी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में और खाना खाऊंगा. तो उसके बाद वही किया. चेक इन से जस्ट पहले मैं पहले वेजिटेरियन रेस्टोरेंट गया ऑरोविले. वहां का आप देख लो, मतलब क्या रेट्स है ना, क्या पड़ा ना, वो सब देख लो. मैंने वीडियो शूट किया था. तो ये है ऑरोविला कैफे का मेन्यू, जिसमें आप देख सकते हो इंडियन के काफी सारी ऑप्शंस मिल जाएंगे. इनफैक्ट समोसा भी मिल जाएगा आपको. दो पीस मिलेंगे 250 आर, मतलब ये ग्राम है, 60 आर ये चटनी का वेट है, और ये है 250 रूबल, ठीक है. पी मतलब रूबल. ये जब ये सारी चीजें ये प्राइस है, ठीक है. तो 250 रूबल के दो समोसे हो गए. ये भी अगेन समोसा है 380 रूबल का, लेकिन इसमें पनीर और स्पिनेच समोसा है. इस हिसाब से यहाँ पे रेट है सब. बासमती राइस है वो 150 रूबल का है, सूप है, मेन कोर्स है जैसे कि पालक पनीर वगैरह. तो फाइनली बहुत कन्फ्यूजन थी और फिर मैंने मंगा लिया 700 रुबल की, 700 रुबल का ये पंजाबी थाली, जिसमें पनीर की सब्जी है, बासमती राइस है, दाल है, ये जिंजर टी देते आपको, ये पूरा भरा हुआ है, और एक पराठा घी से लतपता पराठा. ये हैवी है वैसे, वजनदार है. तो इसमें तो आराम से आपका पेट भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन वही बात है कि 700 रुबल लगेंगे. तो ओवरऑल खाने का एक्सपीरियंस वॉज ओके, मतलब इतना टेस्टी नहीं था लेकिन हाँ ठीक था. लेकिन एक चीज मेरे को जो अच्छी लगी वो 700 रुबल का रेट था. लेकिन अगर आप डेली मंडे टू फ्राइडे लंच करने जाते हो उस वक्त आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है. तो मेरा बिल 560 रुबल का ही बना. उन्होंने 140 रुबल वापस दिया. मैं खुद सरप्राइज हुआ. मैं बोला वाह सही है यार. तो 560 रुबल का वो जो भी था थाली था. उसके बाद मैं हॉस्टल वापस गया, चेक इन करा, थोड़ा फ्रेश हुआ, उसके बाद सो गया था. अब थोड़ा शाम का समय है, 5:30 बज गए हैं और मैं बाहर निकला हूँ एक्सप्लोर करने. और मैं देख पा रहा हूँ सेंट पीटर्सबर्ग थोड़ा सा वैसा लग रहा है अभी. एक गैंगस्टर सिटी नहीं बोलते आप, ठीक मेरे पीछे देख पा रहे रहेंगे, एक गैंग है और जो हरकतें कर रहा है वैसी. एनीवेज अपन उसको इग्नोर करते हैं और अपन अभी सेंट पीटर्सबर्ग की खूबसूरतियाँ देखना शुरू करते हैं, है ना. वैसे गाइस अगर बजट में बुकिंग करनी है और फास्ट बुकिंग करनी है ना, तो मैं रिकमेंड करता हूँ वीगो का ट्रैवल ऐप, जिसमें सारे टाइप्स की बुकिंग हो जाती है. वीगो एक फास्ट लोडिंग ट्रैवल बुकिंग ऐप है. जब भी मेरे को फ्लाइट सर्च करनी रहती है, जैसे कि अब कर रहा हूँ, तो बड़े बड़े ट्रैवल पोर्टल्स और फ्लाइट कंपनीज को कंपेयर करके रिजल्ट सामने रख देता है. सिमिलरली होटल्स जब भी मैं सर्च करता हूँ तो वही बड़े बड़े ट्रैवल पोर्टल्स को कंपेयर करता है, ढेर सारे ऑप्शंस मेरे सामने रख देता है. इस ऐप में आप एक्टिविटीज तो बुक कर ही सकते हो ढेर सारी, लेकिन साथ ही साथ इंडियन रेलवे, IRCTC ट्रेन भी बुक कर सकते हो. तो जब एक ही ऐप में सारे टाइप्स की बुकिंग हो जाती है तो फिर क्या ही दिक्कत है. अभी डाउनलोड कर रहे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, और ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हो तो अपडेट करना मत भूलना, ताकि के आपको अमेजिंग से ऑफर्स मिल जाए. ये बेसिकली तुर्किश स्वीट शॉप है. जहाँ मैं पिछली बार आया था ये 100 रुबल का खाया था. इसमें वेज भी मिलता है, विद एग वाला भी मिलता है. आपको पूछना पड़ता है कि वेजिटेरियन कौन सा है विदाउट एग वाला, तो फिर ये बताते हैं. बहुत यमी है, कुछ अलग ही रहता है. हालांकि फिलहाल अभी मैंने 137 रुबल पे करे है, थोड़ा सा भाव बढ़ गया आप कह सकते हो. बहुत यमी है, अलग ही इसका स्वाद है. ये मॉस्कोवी स्टेशन के सामने ही है, मॉस्कोवी रेलवे स्टेशन है उसी के सामने, ऐसा कुछ नाम है. रशियन रणवीर सिंह. यहाँ पे ना ऐसे ये लोग, मतलब आप पीछे भी देख लो, पुरानी बिल्डिंगों का जो भी कंस्ट्रक्शन चालू है ना, रिपेयरिंग वगैरह, उधर भी बनाया था, यहाँ पे भी हो रहा है, तो यहाँ पे भी बनाया. क्योंकि लगभग यहाँ पे 100 साल, 125 साल, 150 साल पुरानी बिल्डिंग है ना, तो कंस्ट्रक्शन होना आम बात है, रिपेयर होना आम बात है, मेंटेनेंस आम बात है. जिसकी वजह से नीचे फुटपाथ पे ना ऐसे एली बना देते हैं ऐसे लकड़े का सब,
वॉकेबल पास बना देते ताकि के कम्यूटर्स को दिक्कत ना हो। ये देखो रास्ते में मेरे को क्या दिख गई, इंडियन शॉप है ना, जो सारे प्रोडक्ट्स, मतलब दूर से मैंने देखा कि इंडिया का झंडा वगैरह लगा हुआ है, मैं बोला वाह क्या बात है। फिर नज़दीक आया तो यहाँ पे मेन्यू, और फिर पता चला कुछ शॉप है जहाँ पे कुछ आइटम्स, इंडिया के आइटम्स आपको मिल सकते हैं खाने पीने के मामले में। मैंने सोचा कि एक बार अंदर चला ही जाता हूँ, देखते हैं कि अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स इंडिया से रिलेटेड या फिर इंडियन प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? अरे बढ़िया हो, आप तो हिंदी बोलते हो, कहाँ से हो, वेर आर यू फ्रॉम? आई एम रशियन। अरे वाह कैसे है क्या हिंदी बोली, जोरदार। क्या क्या मिल जाता है यहाँ पे असल? अच्छा ये MDH, ओ हो, ये देखो सांबर मसाला, पाव भाजी मसाला, राजमा मसाला, सारी चीज़ें मिल जाती है, सब रेट से 198 रुबल, आप देख रहे हो। वाह 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 क्या बात है, चलो मैं आता हूँ। ओके मैं आता हूँ जाके, थैंक यू। एक काम करता हूँ थोड़ा घूम घूम लेता हूँ, उसके बाद 9 बजे तक ये खुली रहती है, मैंने अभी पूछा तो अभी तो ऐसे भी बहुत टाइम है ना, थोड़ा अपन राउंड राउंड सैर सपाटा कर लेते फिर आने के टाइम यही रोड पकड़ेंगे। ओए होए होए स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। ये हम जा रहे नेवा रिवर के पास, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग की वन एंड ओनली सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, उधर आराम से टाइम स्पेंड करेंगे। अरे कुछ पहचाना कि नहीं, फैशन शैंपेन, वही दरिया वाला सलोन, पिछली बार आया था दरिया को मिला था, याद है कि नहीं? इस वक्त अभी बात हुई दरिया से, वो जर्मनी है इसलिए मुलाकात हो नहीं पाएगी, फिर भी अंदर जाना है क्या? नहीं ना, जाना है, चलो ठीक है। आप लोग भी ना बड़े शैतान हो। ओके हाय अलीना, माय नेम प्रतीक, आई थिंक यू वर नॉट देयर लास्ट टाइम, या आई रिमेंबर यू वर नॉट देयर, सबकी शक्लें याद है मेरे को। सो दरिया इज इन जर्मनी राइट? ओके सो आई थॉट सिंस आई एम विजिटिंग सेंट पीटर्सबर्ग अगेन, सो आई थॉट टू कम टू दिस सैलून अगेन। यहाँ पे एंट्रेंस में ना एक ऐसा मशीन है, शू मशीन, ताकि के शूज की गंदगी अंदर ना जाए। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, मैंने ऐसा रख दिया, ऐसा दबाया तो जो प्लास्टिक थैली है ना चिपक गई, अब ये दूसरा आ गया, दूसरा भी मैंने ऐसा दबा लिया, यही सब रैप हो गया। सही है यार, मतलब सोलिना व्हाट यू विल गोना शो मी टुडे, आई नो एवरीथिंग, ये इज कॉफी एंड शैंपेन। हाँ अलियक, ओके हेलो प्रतीक, प्रतीक एवरीथिंग इज सेम, हाँ कैसे बोल सकता हूँ। ओके शॉप, हाँ लास्ट टाइम इट वॉज नॉट देयर, कुछ तो चेंजेस आए हैं, मतलब स्पा। ओए होए होए ये सबसे खास कमरा था, मेरे को याद है, क्योंकि इसकी वाइब ही अलग है, मतलब है ना बहुत कुछ है यहाँ पे। अच्छा पिछली बार ये नहीं था, मसाज बेड, नाउ मसाज बेड ऑल्सो फॉर मैंस वुमेन्स बोथ। ओके नाइस, एंड वॉट इज दिस बनिया? हाँ, यहाँ पे क्या पत्थर वत्थर मशीने है कुछ गर्म करने के लिए, है ना, बहुत गर्म है, एक तो कपड़े भी ऐसे है, ऊपर से गर्मी इतनी लग रही है ना। चलो अभी कौन खुल के बैठेगा, क्या ही करना है, कौन सा -30-40 डिग्री है बाहर। कॉस्मेटोलॉजी, अच्छा ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं देखा, ये पहली दफा देख रहा हूँ। क्या कलर कॉम्बिनेशन है, मतलब 100 साल पुरानी प्रॉपर्टी है और नीचे अंडरग्राउंड में इंटीरियर देख लो आप, मतलब है ना क्या क्लास सा कलर कॉम्बिनेशन है, मजा आ गया। ओके अलीना इट वॉज सच अ ग्रेट मीटिंग यू, सॉरी या हॉट चॉकलेट इज परफेक्ट। ओके पहली बार जब रिश्तेदार के यहाँ पे जाते हैं तो कुछ भी पूछते हैं तो अपन कहते हैं ना नहीं 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 चाहिए, दूसरी बार जब जाते हाँ आने दो। जब पहली बार यहाँ पे आया था दरिया ने भी मेरे को बहुत बार पूछा था भाई कॉफी ये आर यू श्योर ले लो, मैंने मना किया था, अब दूसरी बार पूछ रहे ये लोग आन दो। आहा क्या मस्त थी यार, हॉट चॉकलेट बहुत यमी थी, सच कह रहा हूँ, और मैं तो शौक हो गया कि बंदे लोग भी कराते नेल आर्ट,
सही है यार। वो रिवर के इधर तो कुछ है नहीं लोग, लेकिन ये मोहतरमा मिल गई, इनका नाम है पलीना। अलीना से मिले हम सैलॉन में और ये मोहतरमा मिल गई पलीना। हाय पलीना। माय नेम इज प्रतीक, प्रतीक जैन। आई एम फ्रॉम इंडिया। यू नो इंडिया? गुड। डू यू लाइक दिस सिटी और रशिया? दिस सिटी सेंट पीटर्सबर्ग? या इट्स गुड, इट्स गुड। एवरीवन हैव डॉग्स, different types of dogs, everyone have. It's good city. It's snowy. Going to my eyes. जी एक बेलपुरी दे दो, है ना? समोसा। समोसा भी है? समोसा नहीं, बेलपुरी खाएंगे फिलहाल। खतमीटा बाद में खा लेंगे, अभी बेलपुरी खाएंगे। रशिया में आके बेलपुरी खाएंगे। ये कुछ गलत बोल रहा था, इसने मना कर दिया। Say please. Which part in Russia you are from? My nationality, Kumyk, Dagestan. Dagestan nationality. Yeah. It's in Russia? No. Dagestan. Place. City, Dagestan, state. My home. My nationality, Kumyk. Kumyk. Yeah, Lizgin, nationality Lizgin. Lizgin. From Russia, Dagestan. Dagestan. Yeah. Acha. You're Muslim? I'm Hindu. You're Hindu? Yeah. I'm Muslim. Hindu brother. Hindu Muslim brother. Oh, great. Great. Nice to meet you, man. Nice. Thank you. Nice to meet you. यहाँ पे मैंने देखा वेप की दुकान है, तो आम बात है, मतलब हर कोई इतना वेप और सिगरेटों का शौकीन है ना, चाहे लड़का या लड़की ले लो, हो सकता है क्लाइमेट के हिसाब से, लेकिन हर गली में आपको वेप की शॉप मिल जाएगी। ये ऊपर क्या है, लव? लव का पता नहीं, वेप का पता है। वेप यहाँ पे इजीली मिल जाता है।